सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। हर एक रीजन में काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और आज हम हर एक रीजन के लेजेंडरी पोकेमोन को रैंक करने वाले हैं, जहां पर हम हर एक रीजन के लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन को कंबाइन कर देंगे और देखेंगे कि किस रीजन के लेजेंडरी पोकेमोन ज्यादा स्ट्रांग है। तो हाँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ये पूरी रैंकिंग मेरे ओपिनियन पे होगी, आपको इससे हर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, हर बार की तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's get started. स्टार्ट करते हैं नंबर 8 यानी कि सबसे वर्स्ट लेजेंडरी पोकेमोन रीजन के साथ। मेरे अकॉर्डिंग वो होगा जोटो रीजन। यहाँ पर 5 लेजेंडरी पोकेमोन है, जो कि है हो-ओ, लुगिया, एंटे, रायकू और स्वीकून, और एक मिथिकल पोकेमोन सैली भी था। ये सारे पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हो की पावर हमें एनिमे के अंदर देखने को नहीं मिली है, इसका देखना काफी ज्यादा रेयर होता है। वहीं पर लुगिया एक साइकिक और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है, इसको गार्डियन ऑफ द सी भी कहा जाता है। साथ में ये वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। लुगिया अपने 1% पावर का यूज करके अपने पंखों से एक ऐसा तूफान ला सकता है जो कि एक घर को उड़ा सकता है। इसके अलावा ये ऐसे तूफान ला सकता है जो कि 40 दिन तक चलते हैं। इसके बाद आते हैं लेजेंडरी बीस्ट यानी कि एंटे, रायकू और स्वीकून। इन तीनों का मास्टर हो-ओ है और इनको एनिमे के अंदर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाया गया है। वेल, मैंने इनको नंबर 8 पे इसलिए रखा है क्योंकि बाकी सारे रीजन में लेजेंडरी पोकेमोन काफी ज्यादा है। नंबर 7 कैंटो रीजन। कैंटो रीजन में 5 लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन है, जो कि है म्यू, म्यूटू, आर्टिकुनो, जैपडोस और मॉल्ट्रेस। ये जोटो रीजन से भी कम है। म्यूटू एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमोन है, इसको पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोकेमोन भी कहा गया है पोकेमोन एनिमे के अंदर। ये जायंट शैडो बॉल भी क्रिएट कर सकता है। इसके पास 2 मेगा एवोल्यूशन है, जो कि है मेगा म्यूटू वाई और मेगा म्यूटू एक्स, जिसमें जाने के बाद ये पोकेमोन वर्ल्ड का सेकंड सबसे ज्यादा बेस्ट स्टैट रखने वाला पोकेमोन बन जाता है रेक्वाजा के साथ। फिर आता है प्योर साइकिक टाइप का मिथिकल पोकेमोन म्यू। ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमोन है। काफी लोग मानते हैं कि ये म्यूटू से भी ज्यादा स्ट्रांग है। म्यूटू को म्यू के डीएनए से ही बनाया गया था। पोकेमोन जर्नीज में ऐसा दिखाया गया था कि म्यू एक टाइम पे 2 अलग अलग पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि एक काफी यूनिक पावर है एंड ये इसको पोकेमोन वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पोकेमोन में से एक बना देती है। फिर आते हैं आर्टिकुनो, मॉल्ट्रेस और जैपडोस। ये उतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट एक डिसेंट लेजेंडरी पोकेमोन है। तो हाँ, कैंटो रीजन में सिर्फ 2 ही स्ट्रांग लेजेंडरी पोकेमोन है, इसलिए ये नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 6 यूनोवा रीजन। वेल, यूनोवा रीजन में कोई भी ऐसा लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है जो कि म्यू और म्यूटू को टक्कर दे सके, बट यहाँ पर काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन है, इसलिए मैंने इनको नंबर 6 पर रखा है। यूनोवा रीजन के लेजेंडरी पोकेमोन से कोबैलियन, टेराकियन, विरिजियन, थंडरस, लैंडरस, टोर्नेडस, जैक्रोम, रेशिराम और क्यूरेम। वहीं पर इस रीजन में 4 मिथिकल पोकेमोन भी थे, जो कि थे मेलोएटा, जेनेसेक्ट, विक्टिनी और कैल्डियो। जैक्रोम, रेशिराम और क्यूरेम टाओ ट्रियो से बिलोंग करते हैं, तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है। क्यूरेम जैक्रोम के साथ फ्यूज होकर ब्लैक क्यूरेम बन सकता है, वहीं पर रशिराम के साथ फ्यूज होकर व्हाइट क्यूरेम बन सकता है। स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस और फोर्सेस ऑफ नेचर दोनों ही एक डिसेंट ट्रियो है और यहाँ के मिथिकल पोकेमोन भी काफी स्ट्रांग है। नंबर 5 कैलोस रीजन। कैलोस रीजन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेजेंडरी पोकेमोन है, जो कि है जर्नियस, येवेल्टल और जायगार्ड। येवेल्टल एक डार्क और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है, ये किसी के भी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनको मार सकता है या फिर पत्थर में बदल सकता है। जर्नियस एक प्योर फायर टाइप पोकेमोन है। अगर येवेल्टल किसी की लाइफ ले लेता है तो जर्नियस के पास ये पावर है कि वो उस पोकेमोन या फिर इंसान को दोबारा जिंदा कर सकता है। और लास्ट में आता है जायगार्ड। जायगार्ड के पास 5 फॉर्म है, जिनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसका 100% फॉर्म है। अपने फुल पावर में ये जर्नियस और येवेल्टल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके पास कंट्रोल है इकोसिस्टम का। तो हाँ, ये तीनों ही काफी स्ट्रांग है, बट यहाँ के मिथिकल पोकेमोन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कैलोस रीजन में 3 मिथिकल पोकेमोन इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जो कि है वोल्कानियन, हुपा और डायंसी। डायंसी एक लौती ऐसी मिथिकल पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकती है। वहीं पर हुपा एक साइकिक और घोस्ट टाइप का पोकेमोन है। इसके पास हुपा अनबाउंड फॉर्म है, जिसमें जाने के बाद इसकी टाइपिंग साइकिक और डार्क टाइप हो जाती है। ये पोकेमोन वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट मिथिकल पोकेमोन है। ये अपने रिंग का यूज करके किसी भी पोकेमोन को स्पॉन कर सकता है, जो कि इसकी बात भी मानते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली ये किसी भी पोकेमोन को हराने की पावर रखता है, इसीलिए कैलोस रीजन नंबर 5 पे डिजर्व करता है। नंबर 8 गला रीजन यानी कि जेन 8। यहाँ पर टोटल 11 लेजेंडरी पोकेमोन्स थे, जो कि है जेशियन, जमाजेंटा, इटरनेटस, जरूट, कुफू, उर्शिफू, रेजिलेकी, रेजी ड्रैगो, कैलेरिक, स्पेक्ट्रियर, ग्लास्ट्रियर और गलारियन बर्ड्स यानी कि गलारियन, आर्टिकुनो, मॉल्ट्रेस और जैपडोस। इटरनेटस के पास इटरनामैक्स फॉर्म है, जिसमें जाने के बाद इसके बेस्ट स्टैट 1125 हो जाते हैं। एनिमे के अंदर इसको उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाया गया है। इसको जेशियन, जमाजेंटा ने अपने क्राउन स्वॉर्ड और क्राउन शील्ड फॉर्म में रहकर हरा दिया था, और बाकी सारे लेजेंडरी पोकेमोन डिसेंट है। तो हाँ, नंबर 4 के लिए गला रीजन परफेक्ट होगा।
नंबर थ्री पर आता है जनरेशन थ्री यानी कि होइन रीजन। यहाँ का मेन ट्रियो होता है वेदर ट्रियो, जिसमें आते हैं कायोगर, ग्राउडन और रेक्वाजा। रेक्वाजा इस ट्रियो का मास्टर है एंड इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है। ग्राउडन और कायोगर के पास प्राइमल फॉर्म्स है। ग्राउडन जमीन बनाता है, वहीं पर कायोगर समुंदर बनाता है, इसलिए दोनों के बीच में काफी बार फाइट हो जाती है, जिसको रोकने रेक्वाजा आता है। रेक्वाजा इन दोनों पोकेमोन को हैंडल कर सकता है, जिससे आप लोग रेक्वाजा के पावर का अंदाजा लगा सकते हो। रेक्वाजा के पास वेदर को कंट्रोल करने की पावर भी है। रेक्वाजा हवा की ह्यूमिडिटी और डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद रेक्वाजा के पास एक यूनिक एबिलिटी भी आ जाती है, जो कि है डेल्टा स्ट्रीम। इस एबिलिटी का यूज करके रेक्वाजा एक यूनिक वेदर क्रिएट कर सकता है, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग विंड्स। इस वेदर में फ्लाइंग टाइप पोकेमोन की सारी वीकनेस चली जाती है। जब तक इस एबिलिटी का इफेक्ट रहेगा, तब तक कोई और पोकेमोन वेदर चेंज करने वाला अटैक यूज नहीं कर सकता। अब ये तो होइन के कुछ ही लेजेंडरी पोकेमोन थे। इसके अलावा और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन है होइन में, जैसे कि रेड स्टील, रेजीरॉक, रेजेस, जिराची, डियोक्सियस, लाटियास और लाटियोस। तो हाँ, डेफिनेटली होइन रीजन नंबर थ्री पर डिजर्व करता है। नंबर टू, अलोला रीजन। अलोला रीजन में टोटल 16 लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन थे, जो कि है टापू कोको, टापू बुलू, टापू फिनी, टापू लेले, टाइपनल, सिल्वली, मगैरना, मार्शेडो, मेल्टन, मेलमेटल और जेरूरा। इसके अलावा यहाँ का मेन और सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रियो है लाइट ट्रियो, जिसमें आते हैं सोलगैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा। ये तीनों ही पोकेमोन सुपर स्ट्रॉन्ग है। सोलगैलियो एक साइकिक और स्टील टाइप का पोकेमोन है, ये सन को कंट्रोल कर सकता है। वहीं पर लुनाला एक साइकिक और घोस्ट टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है, जो कि कंट्रोल कर सकता है मून को। फिर आता है नेक्रोजमा। नेक्रोजमा एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमोन है, बट इसके पास तीन फॉर्म्स हैं। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है अल्ट्रा नेक्रोजमा। इस फॉर्म में जाने के बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। तो हाँ, अलोला में काफी सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन है, ये डेफिनेटली नंबर टू स्पॉट डिजर्व करते हैं। और फाइनली नंबर वन, सिनो रीजन। सिनो रीजन में टोटल 14 लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि है एजेल, फ्यूक्सी, मेस्प्रिट, डियाल्गा, पालकिया, गिराटिना, आरसीएस, क्रेसेलिया, डार्करा, हीट्रेन, रेजिगिगस, मैनेफी, फियोनी और शेमिन। सारे ही पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ का जो मेन ट्रियो है वो है क्रिएशन ट्रियो। डियाल्गा के पास टाइम का कंट्रोल है, वहीं पर पालकिया के पास स्पेस का कंट्रोल है। दोनों के पास ओरिजिन फॉर्म्स भी हैं। माना जाता है कि ये फॉर्म इनके ओरिजिनल फॉर्म है। फिर आता है गिराटिना। गिराटिना एक दूसरे वर्ल्ड में रहता है और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा इस रीजन में पोकेमोन वर्ल्ड का गॉड भी आता है, जो कि है आरसीएस। आरसीएस एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमोन है। इसके बेस स्टैट 720 है, जो कि बेस फॉर्म में सबसे ज्यादा है किसी भी पोकेमोन के मुकाबले। आरसीएस, एजेल, फ्यूक्सी, मेस्प्रिट, डियाल्गा, पालकिया और गिराटिना, इन सब ने मिलकर ही पोकेमोन वर्ल्ड को क्रिएट किया था। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।